तो फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने जवाब दिया है और बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, इतनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर का कहना ये है कि जी भारत अपनी मर्जी से काम करता है और हरगिज किसी भी प्रेशर में नहीं आएगा और भारत को सिखाने की जरूरत नहीं। एक डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं, जी वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वार के। We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan and we turned to the Soviet Union as a military partner. और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि पाइन आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ, जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था। We've never really had anything other than a positive experience with the Soviet Union and then with Russia. अमेरिका को कह रहे हैं कि बाइडेन ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या कर रहे हैं, आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। वाकई में अमेरिका के सर के ऊपर नारियल फोड़ देगा भारत। आप अपने जो ऑप्शंस हैं उसको कम नहीं कर सकते बिकॉज सम अदर कंट्री, सम अदर बिग कंट्री हैज अ प्रॉब्लम विद इट। ये नहीं है कि भाई अमेरिका को पसंद नहीं आएगा भारत रशिया के साथ डील कर रहा है तो मैं उसके साथ डील नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं तो डर गया। फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जी शंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं एक मीटिंग के सिलसिले में और वहां पर उनका एक बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आजाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शटअप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से अभी, तो वो क्या मैं कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्ज़ी हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरन मिनिस्टर ही नहीं पता हमें, इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता, फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आगे 10-10, 15-15 साल की उन लोगों ने बनाई हुई है। अरे वहां पे एस जी शंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। फाइनली इस डिस्कशन में उन्होंने बोला कि देखिए जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, आप अपने जो ऑप्शंस हैं उसको कम नहीं कर सकते बिकॉज सम अदर कंट्री, सम अदर बिग कंट्री हैज अ प्रॉब्लम विद इट। ये नहीं है कि भाई अमेरिका को पसंद नहीं आएगा भारत रशिया के साथ डील कर रहा है तो मैं उसके साथ डील नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं तो डर गया। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट गोइंग फॉरवर्ड। एंड भारत, उन्होंने बोला कि भारत इज ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शंस। रशिया के बारे में उन्होंने बोला कि यार देखिए रशिया के बारे में तो हर बार सवाल पूछता है, भैया आप तेल क्यों ले रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों। उन्होंने समझाया, देखो यार मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 71 से पहले आप तो 40 साल 50 साल पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे, वहां पर ये जिया उल्हा के वो जितने भी टेढ़े मेढ़े लोग थे उनके साथ आप खड़े होकर बात करते थे, मुशर्रफ आपका स्टैंड अप पर्सन था तो आपको बड़ा शौक था पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने के लिए जब नेक्स्ट डोर एक डेमोक्रेसी थी जिसको आप सपोर्ट नहीं करते थे। आप सबको पता है 71 से बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुई थी अमेरिका खुश नहीं था, जहां पर रशियन सबमरीन्स ने आके अमेरिका को वहां से भगाया था। सो भारत और रशिया की जो 71 स्पेशली से जो एक रिलेशनशिप आगे चली है 40-50 साल की, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे ओवरनाइट और वो चीज जाने भी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। उन्होंने बोला कि देखिए एज फार एज रशिया की रिलेशनशिप जो कंसर्न है, हमारा जो एक नीड है विच इज ऑफ एनर्जी एंड रशिया की जो नीड है एज अ मार्केट That comes together and हमारे जो historical relations उसके ऊपर बैठते हैं and it actually is mutually beneficial for both the countries. भारत एक large energy consumer है, जो भी energy producers होंगे वो very important for India होंगे, उसके अंदर कोई two sense बनता नहीं है। एक डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं, जी वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वार के। क्या असला देता रहा भाई, कितना को देता रहा, वो जितना असला पाकिस्तान को मिलता रहा वो इंडिया को भी मिलता रहा। आप अमेरिकन का सारा टाइम देख ले, वो एक ही चीज कह रहे थे, जो हम आपको दे रहे हैं हम उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे। और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि पाइन आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ, जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था।
मेरा नहीं ख्याल कि ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। देखें, इंडिया रशिया टाइज इंपॉर्टेंट है, नॉन अलाइनमेंट की थी, बट एट द सेम टाइम इंडिया वॉज इक्वली गेटिंग वेपन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अपने वेपन्स ले रहा था, ये नहीं था कि वो वेपन्स नहीं ले रहा था। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी स्टोरी और अपना मुकदमा, ओ भाई हम तो इतने कंफ्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर अक्सर पाकिस्तानी हुकूमत बात करती है, हुकूमत, फौज, फॉरन ऑफिस अक्सर बात करता है जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से ये बात नहीं आप सुनेंगे किसी ग्लोबल फोरम पे। घर में आवाम को बताते रहते हैं, जब दुनिया के स्टेज पे जाना होता है तो बात ही नहीं करते। आप बताएं ना, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, देखें पाकिस्तान नीड्स अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, अ फॉरेन मिनिस्टर हुज जॉब इज टू बी फॉरेन मिनिस्टर, एक्ट फॉरेन मिनिस्टर एंड यू नो सर्व एज अ फॉरेन मिनिस्टर, नॉट हिज जॉब इज के जी ओ 75% टाइम वो सियासतदान अंदर वाड़ के थे सियासत चेक करें डे ने 25% बार बार आके गया ओहो हाँ आज तो मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ इस वक्त हूँ एस टाइम तो मैं फॉरेन मिनिस्टर ओहो मुझे ये स्टेटमेंट देनी है। वी नीड अ फुल कमिटेड फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। पाकिस्तान का केस बड़ा टेढ़ा केस है, कोई आसान केस नहीं है। और वो लोग जो सारी बातें फॉरेन ऑफिस में काम करते रहे उनमें से कोई अच्छा बंदा पकड़े, कोई अच्छी बंदी पकड़े जो जो पाकिस्तान का केस वाकई अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, लेकिन वो अग्रेसिव होना चाहिए यार। हम मजबूर बैठे हुए हैं, हमारी 250 मिलियन की आबादी है, हमारा केस ही कोई नहीं है। ये देखें जयशंकर से देखें कि किस तरह वो अपना केस जो है वो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, और वो लगे हुए हैं धड़ाधड़। उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। और वो दबा रहे हैं, अमरीका के साथ जपियां डाल के आए हैं, वो भी विल्मिंगटन में उधर डेलावेयर के अंदर अभी उनके साथ इतना मिल के आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाईजान ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है, आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। उधर देखिए उनकी अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए, चिली का प्रेसिडेंट है, मैं उसको देख रहा था, गैब्रियल बोरिक, वो कह रहा है कि इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, परमानेंट सीट दे उसको। आप इमेजिन करें, पिछले साल मुझे याद है पुर्तगाल का प्रेसिडेंट वहां भी ये कह रहा था। इंडिया की लॉबिंग देखिए, आप देखिए जस्ट नंबर ऑफ द पीपल जयशंकर इज मीटिंग देयर। आप उन मुल्कों के लोगों को नाम नहीं आते, मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया में ये मुल्क भी एग्जिस्ट करते, मैं खुद देख रहा था, ठीक है। मतलब देयर यू नो 191-192 कंट्रीज हैं, मतलब और यू डोंट नो ऑल द कंट्रीज, छोटे छोटे मुल्क भी हैं। तो हमारा तो ये है कि हम उस मुल्क को मुल्क ही नहीं समझते जो डॉलर नहीं दे सकता, ठीक है। सो हमारे प्रॉब्लम थोड़े डिफरेंट है। जब मैं देखता हूँ इसको, जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लिया है कि चिली उठ के साउथ अमेरिका से, चिली साउथ अमेरिका से उठ के तारीफें कर रहे हैं इंडिया की कि यार इंडिया ने जो बना दियो खुदा का वास्ता, जो बना दियो तो मेहरबानी।